अब हम देखने वाले जीएस पेपर टू गवर्नेंस का क्वेश्चन 2014। आसान सा क्वेश्चन है और अपना एस एच जीज के ऊपर है ये, ठीक है। अपना क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि द पेनिट्रेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एस एच जीज इन रूरल एरियाज इन प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इज फेसिंग सोशियो कल्चरल हर्डल्स। क्या चीज़ है भैया? सोशियो कल्चर हर्डल्स है। एग्जामिन कि भैया जो अपना ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये प्रमोट कर रहा है सब कुछ है, बट फिर भी सोशियो कल्चर प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको एग्जामिन करो। देखो इसमें एग्जामिन का है कि इसको देखो समझो भैया क्या चीज़ है, बताओ ऐसा है या नहीं है। देखो सबसे पहली बात है इसमें आप देखो हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे भैया? बड़ा बड़ा चिल्ला आ रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सबसे पहले हमें भी हमने ये हम ये बताएंगे कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है। सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, अपनी खुद की सहायता करने के लिए कोई ग्रुप बना है। छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं और साथ में मिलकर काम करते हैं जिससे आसानी से चीज़ें होने लगती है। इसको थोड़ी सरकार वगैरह की भी मतलब ऐसा है कि सपोर्ट होता है और काम चल जाता है, कि एक इंसान काम ना कर पाए बस 10 लोग जुड़ जाएं तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपको बैंक लोन लेना है, एक तो आप अकेले जाके खड़े हो और एक 10 लोग दिखे हैं तो फ्री होता, कोई ना कोई तो दे ही देगा। तो इस हिसाब से बहुत सारे फायदे हो जाते हैं और साथ में काम, हर कोई अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से काम करने लगता है, वो वाली चीज़ है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसमें बॉडी पार्ट में क्या लिखना है कि भैया सोशियो कल्चरल हर्डल्स कौन कौन से है। सोशियो कल्चर भैया देखो नॉर्मल सी चीज़ है, जो सोसाइटी में और अपने कल्चर में चीज़ें हैं ना वो है। अपनी सोसाइटी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मेल डोमिनेंस, पैट्रियार्की। उसमें एक ना महिलाओं को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनके रोल्स को सराहा नहीं जाता, तो एक ये वाली चीज़ है। दूसरा फिर क्या है कि अपर कास्ट, जो कास्ट वाला पंगा है, कास्ट वाली चीज़ें रहेगी कि भैया आपका कास्ट वाला पंगा रहेगा कि अपर कास्ट वाली महिला आना नहीं चाहती और अगर वो आ रही है तो फिर अपनी डोमिनेंस रख रही है, दूसरों को बोलना नहीं, बोलने का मौका नहीं है या अपनी बात नहीं रख सकती, इस टाइप का वो हेजिमनी टाइप का हो गया कि अपनी भैया हमें तो बस अपनी बात करनी है या हम करेंगे ही नहीं, इस टाइप की चीज़ें हैं। बट इसमें तो हर किसी को आना चाहिए ना साथ में। फिर क्या है कि भैया ऐसी साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर कोई महिला या इंसान बाहर जा रहा है तो अपनी उस पर काम नहीं कर पाएंगे। जैसे महिला ही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो ऐसा बना देती है कि ये तो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगी या जो भी मतलब अपने बूढ़े माता पिता है, सास ससुर, उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, इस टाइप की चीज़ें फैला देते हैं, या साइकोलॉजिकल वो है। फिर दूसरा क्या, कल्चरली अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि भैया महिलाओं वगैरह की हम ज़्यादा बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि महिलाओं पे ही सारा रोल मतलब ऐसा है कि मेल्स को तो कोई मना कर ही नहीं रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे जहाँ पे दिक्कत है वो चीज़ है, क्योंकि भैया हर्डल्स के वगैरह में बारे में बताना है ना। तो महिलाओं तो क्या होता है कि जनरली अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि भैया कोई काम करे, वो वाली बात है, भूखे मर लेंगे बट एक औरत के हाथ का खाना नहीं खा, मतलब एक औरत के कमाई हुई रोटी नहीं खाएंगे। आज भी कई सारी ऐसी ही बहुत सारी बातें वाहियात टाइप की चलती रहती है कि भैया मतलब औरत की कमाई का नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इस टाइप की चीज़ें, बाहर जाएगी तो इज्जत और ये वो बहुत ड्रामे। तो यही वाली जो चीज़ है ना जो आप हर रोज़ देखते हो वही चीज़ें आपको लिखनी। ये क्वेश्चन ऐसा है जो फ्री फंड में आपको नंबर देगा, फ्री फंड में। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 4-5 क्वेश्चन हर साल आएंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि लिखूं क्या भाई, क्या लिखूं इसमें मेरे को नहीं आ रहा। और कुछ इस टाइप के जो रटे रटाए हैं, पिटे पिटाए क्वेश्चन हैं जो आपको बार बार लिखते चले जाना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एनजीओ क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, उनके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, कुछ अच्छे कंट्रीब्यूशन वो पता होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। फिर बॉडी पार्ट में इसमें सोशियो कल्चरल वो पूछ लिया तो आप जो सोसाइटी है जी इस पेपर में वहाँ की चीज़ें वो कर सकते हो, रिलीजन ऐड कर दिया, जेंडर ऐड कर दिया, कास्ट ऐड कर दी, वही फैक्टर लिए यहाँ पे डाले, बात खत्म। आपको मतलब इंग्रेडिएंट है, मसाला तैयार किया और जैसी भी जरूरत है उसके हिसाब से। कंक्लूजन में क्या है कि भैया हमें इन चीज़ों को जेंडर बायसनेस, जेंडर न्यूट्रल और मतलब जेंडर बायसनेस को छोड़ के जेंडर न्यूट्रल बनना पड़ेगा और फिर काम चलेगा, कास्ट वगैरह के ऊपर उठना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रोग्रेस और ये वो उस टाइप का जो भी अलाप है वो आपको मतलब सिंपल सी बात वही लिखना पड़ेगा, वही जो किसी भी चीज़ होती है जो आपको एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान या ऑप्टिमिस्टिक ऑफिसर दिखाने के लिए चाहिए होती है वो वाली चीज़ दिखाना पड़ेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, आई थिंक आ गया होगा, तो
अगर इसको मैं रिकैप करूँ तो सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप आना चाहिए, उसके बाद बॉडी पार्ट में आपको इसकी सोशियो कल्चरल जो हर्डल्स है वो बता दी, और कि अपना महिलाओं वगैरह की पोजीशन है, अपर क्लास, कास्ट, रिलीजन, वो वाली सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद कंक्लूजन में क्या है, आपको पॉजिटिविटी वे कि सबको साथ आना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये वो प्रोग्रेस नेशन की प्रोग्रेस में काम आने वाला है। तो ये था अपना आराम से आज का क्वेश्चन। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।